हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपका साइंस वन का बोर्ड एग्जाम का पेपर है और कल के मेरे लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि सर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाइए, तो इसलिए आपके लिए खास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ताल्लुक से यहाँ पर आपको साइंस वन और साइंस टू में बता देता हूँ कि दोनों जगह पर टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके स्टडी करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका यह है कि हम टेक्स्ट बुक में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी कर लें सेलेक्ट करके। दूसरा तरीका ये है कि हम कोई ऐसा सोर्स इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीज़ जहां पर हर टाइप के क्वेश्चन मौजूद हो। अगर इसकी बात करेंगे तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन बैंक आती है जो SCERT की क्वेश्चन बैंक है। SCERT की क्वेश्चन बैंक जो है वो पहली बार लॉकडाउन में बनाई गई थी जब सारे स्कूल बंद थे और बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को सही एजुकेशन और सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। तब SCERT क्या है? SCERT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। तब एजुकेशन रिसर्च सेंटर ने SCERT ने क्या किया, सारे बड़े और तजुर्बेकार एक्सपीरियंस मॉडरेटर को जमा किया और उन लोगों को जमा करने के बाद एक PDF बनाया हर एक सब्जेक्ट का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का। इन सारे PDF के क्वेश्चंस जो मौजूद हैं, इनके आंसर्स shala.com पर अवेलेबल हैं। मैं आपके लिए इस PDF को डाउनलोड करने की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी के साथ साथ shala.com पर उसके सॉल्यूशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपका काम यह है कि सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है और उसी के साथ इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक ओपन कर लिया है और इस क्वेश्चन बैंक में मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क करा दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1A में 4 MCQs आते हैं। यहां पर NCERT की क्वेश्चन बैंक में जो MCQs हैं वो सारे MCQs आपको पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने कहा इसके आंसर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है shala.com पर। तो ये PDF को डाउनलोड करने के बाद आप shala.com की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, डायरेक्ट shala.com की लिंक पर भी जाएंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन के साथ आंसर हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको हम MCQs बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। और यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। पेज नंबर 1 से लेकर के ये आने वाले कई पेजों तक जाएगा और इसमें अराउंड 110, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो, MCQs मौजूद हैं। नहीं, 110 से भी ज्यादा है, 131 MCQs मौजूद हैं। सारे MCQs आपको पढ़ लेना है और मोस्ट लाइकली चांसेस है कि इसमें से ही MCQs मौजूद होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। इसी तरह बाकी के जितने ऑब्जेक्टिव्स है, फाइंड द कोरिलेशन, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। यहां पर भी कोई भी मार्किंग नहीं दूंगा मैं। इसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, कोरिलेशन, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस, इसको भी आपको पूरा पढ़ लेना है। अब हम जब वन सेंटेंस के बाद वाले क्वेश्चन पर आएंगे, मैच द कॉलम, इसको भी आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद मैच द कॉलम के बाद कौन से टाइप का क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन बैंक में, कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट द नेम, मतलब नेम द फॉलोइंग। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप आज के दिन सारे के सारे पढ़ लें, राइट और रॉन्ग सेंटेंस भी पढ़ लें, जितने भी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में मैं आपके लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ूंगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट नोट्स। तो इसमें जो है, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं, एटॉमिक रेडियस वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस छोड़ दीजिए, फोकल लेंथ पढ़िए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक एक लाइन के डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक में, इन्हें आपको पढ़ना है। इसके बाद आ रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये पढ़ लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये सब हमको छोड़ देना है। परसिस्टेंस ऑफ विजन
पढ़ लीजिएगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है आपके लेंस चैप्टर में या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में है, ये एकदम एंड में एक एक्टिविटी का पैराग्राफ दिया गया है वहां पर। उसके बाद हम आ जाते हैं हु एम आई नेम द फॉलोइंग है, ये भी ये आपको पूरा करना है। राइट साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक रीजन जो है, अच्छा ये जो जिसको मैंने शॉर्ट नोट बोल दिया वो वन मार्क के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन वन बी के क्वेश्चंस थे, ये एक्टिविटी में आते हैं। अब टू ए में जो गिव रीजन आता है वहां पर इंपॉर्टेंट गिव रीजन आपके लिए मार्क कर देता हूं। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन जी इज ग्रेटर एट द पोल देन दैट एट द इक्वेटर, हाँ ये वाला आपको पढ़ना है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी डिक्रीजेस एज वी गो अबव द अर्थ सर्फेस, ठीक है ये पढ़ लेना है। थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है पर फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, पहला वाला पढ़ लीजिए। व्हेन वी ड्रॉप अ फेदर एंड अ स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाइट द स्टोन रीच द अर्थ फास्टर देन अ फेदर, ये गिव रीजन को भी हम लोग स्किप कर देते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल जी इज टेकन टू बी माइनस जी व्हेन स्टडीइंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन, छोड़ देते हैं इसको। वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, ये पढ़ लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर पर आते हैं। मेंडेलीव केप्ट वेकेंट प्लेसेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट है। देयर वाज एम्बिग्विटी इन द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको आना चाहिए। बोरॉन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेकेंड पीरियोडिक टेबल, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। देयर वॉज नो डेफिनेटिव प्लेस फॉर आइसोटोप, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने चैप्टर थ्री टू के मार्क किए ना, इस चैप्टर टू में ये सब मेंडेलीव्स के लिमिटेशंस में मौजूद हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे उसका दूसरा लिमिटेशन को इन्होंने बताया है ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आ जाते हैं लिथियम एंड सोडियम आर इंक्लूडेड इन द सेम पीरियोडिक टेबल, ये भी छोड़ देंगे। 18th वाला क्वेश्चन, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑलवेज पेंट्स डोर एंड विंडोज बिफोर यूजिंग देयर नेट्स, छोड़ देते हैं इसको। ये वाला 20 वाला क्वेश्चन, इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी रेंसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं 21 वाला भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन द गैस फॉर्म हीटिंग द लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गिव रीजन में। इसके बाद हम तीसरे चैप्टर पर आ जाते हैं। इट टेक्स टाइम फॉर पीसेज ऑफ शाहबादी टाइल टू डिसअपीयर एचसीएल पाउडर, ठीक है ये छोड़ दो। इन प्रैक्टिस द यूनिट ऑफ KWH किलोवाट आवर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रादर देन जूल, ये भी आप पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आने के 50-50 चांसेस है। ये टंगस्टन वाला क्वेश्चन इज यूज टू मेक अ सोलेनोइड टाइप ऑफ कॉइल, ठीक है ये पढ़ना है आपको। नहीं तो एक काम करिए इसको भी छोड़ दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं। अ कॉइल इज मेड फ्रॉम नाइक्रोम, ये वाला देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोम वायर वाला। इसके बाद हीट चैप्टर में से आ रहा है इन कोल्ड रीजन इन विंटर द पाइप्स वाटर सप्लाई ब्रेक्स, ये वाला। इफ बॉइलिंग वाटर इज कॉन्स्टेंटली हीटेड इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज, ठीक है ये भी आपको पढ़ लेना है कि जब भी कभी पानी को हम लोग हीट करते जाते हैं और वो उबलते जाता है तो उसका टेम्परेचर 100 के ऊपर नहीं जाता। द बॉटम ऑफ सम स्टील यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग इज कॉपर, इन द कोल्ड रीजन स्नो फॉल्स इन विंटर, नहीं ये सब हम लोग ड्रॉप करते हैं। ड्यूरिंग विंटर सीजन वी मे हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट ट्रेल प्लेसिंग प्लास्टिक बॉटल विद वॉटर इन फ्रीजिंग कंपार्टमेंट इन द फ्रीजर कैन कॉज द बॉटल टू एक्सप्लोड इवन द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, ये रेजोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। द सन अपियर्स ऑन द वेस्टर्न हॉरिजन फॉर सम टाइम आफ्टर सनसेट, ये क्वेश्चन हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट लुक्स लाइक अ सैक दैट इंक्लोजेस विद अ ड्रॉ स्ट्रिंग, हटा देते हैं। द स्टार्स ट्विंकल बट वी डोंट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला टॉपिक है ये भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे आ जाते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। द कॉइन इन द
कॉइन इन द डिसअपीयर टू हैव बीन सीन फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है इसको छोड़ देते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ वॉटर, अ कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उसके बाद नियर साइटेडनेस फार साइटेडनेस के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बायफोकलनेस लेंस का जो प्रिज बायोपिया का क्वेश्चन है, ये दोनों भी आपको पढ़ना है. इसके बाद हम आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, पाइन ऑयल इज यूज्ड इन फ्रॉग फ्लोटेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जनरली आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसके बाद है चैप्टर 8 में से, एनोडाइजेशन. इसके बाद है चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनोडाइजेशन इज यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 से. इथिलीन इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द फ्लेम अपियर्स येलो इन इग्निशन ऑफ नेप्थेलिन, नहीं ये नहीं चलेगा. आगे आ जाते हैं द आयोडीन डिसअपियर्स इन द रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड टिंक्चर आयोडीन, ये भी नहीं. वेजिटेबल घी निकल कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसके बाद आएगा कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग मेनी कंपाउंड्स, यहां पर कार्बन की चार अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिससे कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं. बेंजीन कंपाउंड्स आर जनरली कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी एट द अर्थ सर्फेस मस्ट बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, लास्ट चैप्टर का है ये. एस्केप वेलोसिटी के ताल्लुक से ये है, जब भी कभी किसी लॉन्च व्हीकल को सैटेलाइट लेके जाना होता है स्पेस के बाहर, तो उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तभी वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. इसके ताल्लुक से ये सवाल है. द लॉन्च व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली, नहीं. स्पेस डेब्री कैन बी हार्मफुल टू सैटेलाइट, क्वेश्चन नंबर 72, इतने ही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ के जाना है. आगे आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट रिगार्डिंग द वेट एंड मास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसको मैं मार्क कर देता हूं पूरा टेबल. स्टेट न्यूटन्स लॉ, यस वेरी लाइकली इसके आने का चांसेस है. डिफाइन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, यस ये भी आपको पढ़ना है. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों इंपॉर्टेंट है. यहां पर ये जो प्रॉब्लम्स है इन्हें आप सॉल्व करने, ये सॉल्व एग्जाम्पल की प्रॉब्लम्स है. बराबर आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द गिवन डायग्राम एंड ड्रॉ इट अगेन, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, देखिए हाँ ये 7th वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बच्चों. नेक्स्ट चैप्टर में डोबेराइनर्स ट्राइड और मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना है. उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ है. नेक्स्ट टेबल देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टॉपिक का है जो चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी का टेबल है जिसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप करते हैं दोनों को. ये जो टाइप के क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है. ये 13th और 14th भी, 14th में देखिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं. उसके बाद क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ये भी एक बार पढ़ा जा सकता है. उसके बाद अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड, बैलेंस रिएक्शन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नहीं इसको मत पढ़िए. व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पढ़ लीजिएगा, गिव देयर एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बच्चों. आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, बराबर शॉर्ट सर्किट फॉर्म, ठीक है ये नहीं आएगा. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते होंगे, आपके टीचरों ने भी इसे पढ़ाने के टाइम बहुत इंपॉर्टेंस दिया होगा. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, विच अप्लायंस डू बी यूज इट, कहाँ पर यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेम एनी टू अप्लायंसेज विच वर्क्स ऑन फेनोमेनन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी.
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज वायर. यस, फ्यूज वायर का डायग्राम आता है, हमें पहचानना होता है. इसी तरह एमसीबी का डायग्राम एक्टिविटी में से आएगा, वो भी पहचानना होगा. इसके बाद ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ होप सेपरेटर्स, क्वेश्चन नंबर 28-29, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हीट चैप्टर में से है. ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये ग्राफ दे करके हमको पूछा गया है. आगे चलते हैं, आगे सॉल्व प्रॉब्लम्स देख लीजिए. फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर कंटेनर, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. इनमें से कोई एक सवाल आप कर लें, आपके लिए दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए. नेक्स्ट वाले में से भी आयरन मास, फाइंड द अमाउंट ऑफ नीडेड मतलब हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व एग्जांपल को आप प्रैक्टिस करेंगे. इसकी बात हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व एग्जांपल का एक और सेशन मैं लूंगा जिसमें मोस्टली सारे सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा, और वो सेशन आज रात को रखते हैं. ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये वाला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ऑब्जर्व द गिवन फिगर, यस, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा. स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट. दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सक्लूसिवली दिए गए हैं. नेक्स्ट, ये चैप्टर नंबर 8 में से आ रहा है सवाल. व्हेन कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इट शोज अ लस्टर ऑन इट्स सरफेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस. ये वाला क्वेश्चन है. ये 43 वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸. इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं टिक आउट कर देता हूं और हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 45 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग मेटल्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए तो फिर आप ये सवाल कर लेंगे. यस, ये वाले सारे एमसीक्यूज के भी ताल्लुक से ये इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर्स आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेने हैं. ठीक है बच्चों, इसके बाद आ रहा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, पढ़ लीजिएगा. इसके बाद है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इसको आप छोड़ दीजिए. अलॉयज देख लीजिएगा, व्हाट इज एन अलॉय. गिव टू एग्जांपल बेयर्स प्रोसेस पढ़ लीजिए. यस, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये डिफरेंशिएट वाला सवाल आपको पढ़ना है बच्चों. ओके, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का. उसके बाद हम आगे आ जाते हैं फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस का नीट लेबल डायग्राम, इसको भी पढ़ लीजिए. डायग्राम ही करना है आपको. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसको छोड़ देते हैं. चैप्टर नंबर 9 का बहुत ही अहम सवाल है कैटिनेशन पावर वाला, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, आगे चलेंगे. तो ये कैटिनेशन पावर वाला मैंने मार्क कर दिया. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. यहाँ पर एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए. चैप्टर नंबर 9 का एक वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया है. 9th का उर्दू मीडियम का अलग वीडियो है जो अहमद सर के चैनल पर हम लोग डाल देंगे. उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पर 9th के सबक नंबर या चैप्टर नंबर 9 से बहुत ही अहम सवाल हैं उर्दू मीडियम के, अहम कॉन्सेप्ट है, सवाल आप तो नहीं कराए सर ने. आगे आ जाते हैं, यहाँ पर चारों टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ने हैं. कैटलिस्ट क्या है, इसका एग्जांपल देना है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इथेनॉल, ठीक है. गैसोहोल विनेगर छोड़ दीजिए. यूजेस ऑफ इथेनॉल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इथेनॉइक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक, साथ में यूजेस पढ़िए. आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय स्पेस डेब्री. डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, तो स्पेस में जो मलबा है उसके ताल्लुक से सवाल है, ये भी आपको कर लेना है. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ये. ठीक है, इसके ताल्लुक से भी हम लोग बात करेंगे. चलते हैं अगले टॉपिक पर. अब जैसे कि आप अगला टॉपिक देख रहे हैं, अगले टॉपिक में आपको ये देखने मिलेगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ का डिस्टिंग्विश पूछा है, मत करिएगा इसको. ग्रुप और पीरियड के बीच का डिस्टिंग्विश, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, मैं तो बोलता हूँ दोनों भी मत करिएगा. आपको डिस्टिंग्विश अगर करना है तो मेरे हिसाब से मेंडलिस पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर डिस्टिंग्विश करिए. इससे फायदा ये होगा कि कल को मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट नोट आता है, ये डिस्टिंग्विश का मेंडलिस का सारा पॉइंट लिख देना और वहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सारा पॉइंट लिख देना. इसी तरीके से हम आगे आ जाते हैं, आगे के टॉपिक की बात करते हैं.
आगे देख लीजिए बच्चों, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मायोपिया, प्रिज्मबायोपिया, ये सब पढ़ना है आपको। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये भी पढ़ना है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन का डिस्टिंग्विश ऊपर भी मार्क कराया हूँ, यहाँ पर भी देख लीजिए, मेटल्स नॉन मेटल्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन चेन क्लोज चेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अल्केन अल्कीन, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। हाई अर्थ ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट का डिस्टिंग्विश पढ़ लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, एनामोलस बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री फॉल वेरी इंपॉर्टेंट, रेजुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटिनेशन पावर का एक सवाल पीछे हमने मार्क किए थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड है, ये छोड़ दो। होमोलोगस सीरीज पढ़िए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़िए, बस आगे आ जाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट, रिएक्शन ऑफ जिंक विद, पांचवा सवाल आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लोरीन डिसॉल्व्ड इन वाटर सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विद वाटर, ये सबक नंबर या चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। फेरस फेरिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इज डन, ये आ सकता है आपके लिए। जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, ये सब छोड़ देते हैं, ट्रीटेड विद कार्बन, जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली, नहीं इसको छोड़ देते हैं। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट, रोस्टिंग एंड कोरोजन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ओर्स पढ़ लीजिएगा बस। इसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, नीड लेवल डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस एनोडाइजिंग, नहीं आपको खाली दो ये 3 और 4 वाला कर लेना है, आपके लिए काफी हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ये मैं कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन फ्लो चार्ट वाले कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर, उसके बाद ये फर्स्ट के ही सवालात हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आएंगे केपलर्स लॉ, ठीक है, यहाँ पर जो केपलर्स लॉ बोला है तो आपको तीनों केपलर लॉ याद करने हैं, ठीक है, स्टेट न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, इसके बारे में भी कल के लाइव सेशन में हमने बात की थी। आगे आ जाते हैं, ये वाला सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, ये वाला भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा है। सवाल नंबर 8 भी देख लो, आगे आ जाते हैं, टेनिस बॉल ये सब छोड़ दो। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, आपने मेंडेलीव्स के काफी क्वेश्चन पीछे मार्क किए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिमिटेशन ऑफ डुबेरानस, डुबेरानस ट्राइड, राइट द मेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क कर दिए गए हैं पीछे के टॉपिक में, तो इसको आप यहाँ पर भी मार्क कर लें और इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ना, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखिए 14 के ही क्वेश्चन है यहाँ तक जो मौजूद हैं ये। इसके बाद 312 इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस शेल फ्रॉम विच दिस ग्रुप इट बिलोंग टू, राइट इट्स वैलेंसी, ठीक है इसको छोड़ दीजिए, ये 312 वैल्यू ही सही नहीं दिख रही है। आगे आ जाते हैं, मैच द कॉलम, अच्छा ये दो अलग अलग, तीन अलग अलग एलिमेंट है, सही है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये मैच द कॉलम भी आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग मार्क कर चुके हैं तो ये आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के तीनों रूल, राइट हैंड थंब रूल वगैरह सब काफी इंपॉर्टेंट है। नेम द फॉलोइंग, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ज्यादा। शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनोमीटर पढ़ना है बच्चों, ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये आपको करना है। इसके बाद ये दोनों डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको कंपलसरी पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें से कल क्वेश्चन आएगा। विच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इसको इसका नाम है कैलोरी मीटर, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, मेथड ऑफ मिक्सचर, रीजन, व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गीता ऑब्जर्व, इस टाइप का क्वेश्चन कल आ सकता है,
ह्यूमिडिटी के ताल्लुक से ये डायग्राम वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाते हैं बच्चों, रीड दिस एक्टिविटी। ठीक है, द कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट व्हाट चेंजेस विल, हाँ ये दोनों क्वेश्चन हीट के हैं, दो दो मार्क का सवाल आ सकता है। ये सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आगे आ जाते हैं, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, कन्वर्जिंग लेंस, फोकल पोजीशन, टाइप ऑफ इमेज, हाँ ये टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कल के बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जरूर आएगा जहां तक उम्मीद है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन वाला सवाल अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, ये जो आने वाला जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो डायग्राम दिया है, डायग्राम आएगा बनाने के लिए नहीं आएगा कभी भी, आपको यहाँ पर लेबलिंग या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से राइट द लॉज, ये तीनों लॉज वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसी तरीके से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5750। ठीक है, नहीं आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट गिवन इन द डायग्राम, परसिस्टेंस ऑफ विजन के ऊपर सवाल है ये। ठीक है, ये वाला भी मार्क कर दे रहा हूँ, ये भी आपको पढ़ना है। आगे आ जाते हैं, कंप्लीट द पैराग्राफ। मैं तो कहूंगा कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है ये आसान होते हैं, इनको आप बाकी का कोशिश करें पूरा का पूरा पढ़ने के लिए। होमोलोगस सीरीज याद करें, होमोलोगस सीरीज जितनी टेक्स्ट बुक में दी गई है सब आपको पता होने चाहिए, उसके रिलेटेड सवाल आएगा। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, ये आपका टेक्स्ट बुक का टेबल है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये टेबल भी आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ ये पूरा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें आपको जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख करके नाम लिखने बोला है। आगे है, कंपोनेंट्स ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में है। बीच में पेरेंट आएगा, यहाँ पर सफिक्स आएगा और यहाँ पर प्रीफिक्स आएगा, बस इतना सा है। अरेंज दीज थ्री, ठीक है इसको भी छोड़ दो। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बेंजीन के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट दी आंसर, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, कौन सा लॉ लगता है? गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्च व्हीकल, तो PSLV बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर बनाया गया है, राइट। फंक्शंस ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लेना। एकदम इस फॉर्मेट में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जो टेबल हमारी टेक्स्ट बुक में है वो आपको पूरा याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। वाई स्पेसक्राफ्ट टेक लॉन्गर टू रीच द मून देन लाइट, ठीक है ये सब छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो यहाँ पर अब मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम एग्जाम में काफी बार पूछा गया होगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि डायग्राम दे करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके अलावा ये डायग्राम बनाने के लिए आपको नहीं आएगा। रस्टिंग के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है लेकिन ये नहीं आएगा। इसी तरह ये वाला डायग्राम है, कल हम मॉर्निंग्स के सेशन में इसके बारे में बात करेंगे, इस डायग्राम के बारे में। फिलहाल ये क्वेश्चन यस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक पहला वाला मोटर पर था, तो ये क्वेश्चन किस पर है? जनरेटर पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये डायग्राम का आपको खाली लेबलिंग आना चाहिए बस, इसके अलावा ये डायग्राम बनाने नहीं आएगा। ये एक्टिविटी पढ़िएगा बच्चों, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड इन द फिगर, हाँ इसे भी स्किप करता हूँ। और यहाँ पर आपका पूरा PDF खत्म हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा PDF आपके फायदे का है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसी के साथ साथ
डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशन का भी लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे shala.com पर पहुंच जाएंगे, वहां पर इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सॉल्यूशन को ओपन करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, जो सॉल्व करने वाले हैं याद करने वाले याद करते जाइए, इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप 40 आउट ऑफ 40 भी ला सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आपको करना क्या है कि आपको उससे रिलेटेड जो भी आंसर पता है वो लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसी पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में और बाकी के टॉपिक लाइव सेशन या वीडियोस में कवर करेंगे।